हेलो दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, लव, प्यार, इश्क और मोहब्बत। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि मेरे कई दोस्त जब प्यार में होते हैं तो वो अपना इजहार अपने महबूब को कर नहीं पाते हैं, अपने बिलव तक वो मैसेज दे नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ सोच के कुछ पंक्तियाँ लिखी और जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। इससे पहले मैं अपने उन ऑडियंस को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल फन स्टॉप सब्सक्राइब कर रखा है और मेरी वीडियोस को वो लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। और मैं अपने नए ऑडियंस को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं जर्नी ऑफ लव, प्यार, इश्क और मोहब्बत। दोस्तों, कितना विचित्र बात है ये कि 750 करोड़ लोगों में कुछ दो लोगों को आपस में प्यार हो जाता है। कमबख्त ये मोहब्बत भी खूब इम्तिहान लेती है, कमबख्त ये मोहब्बत भी खूब इम्तिहान लेती है, सारी कायनात में अपने महबूब को ढूंढ ही लेती है। जी हाँ, प्यार के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, प्यार के लिए कोई कोचिंग नहीं चाहिए होती, ये दिल से होता है, ये नेचुरल होता है। और हाँ, हर किसी को ये प्यार होता है। इस पाक मोहब्बत के लिए मैंने कुछ पंक्तियां जोड़ी हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इश्क, मोहब्बत, प्यार इतना आसान नहीं मेरे यार, इश्क, मोहब्बत, प्यार इतना आसान नहीं मेरे यार, ये दो रूहों का मिलन है, ये दो रूहों का मिलन है, इसको ना समझो कोई व्यापार, ये दो रूहों का मिलन है, इसको ना समझो कोई व्यापार। कुछ पल का एहसास नहीं, कुछ पल का एहसास नहीं, ये है उम्र भर का करार, कुछ पल का एहसास नहीं, ये है उम्र भर का करार, कतरे कतरे में ये शामिल है, कतरे कतरे में ये शामिल है, ना करना पड़े कभी महबूब का इंतजार। सबके बस की ये बात नहीं, सबके बस की ये बात नहीं, किस्मत वालों का है इस पे अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जब आप प्यार में होते हो तो आप सबसे पहले खुद से भी प्यार करते हो, इस जिंदगी से भी प्यार करते हो, अपने महबूब से भी प्यार करते हो, इस पूरी कायनात से प्यार करना शुरू कर देते हो। और ये अजमाई हुई चीज़ है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आपका कनेक्ट डायरेक्टली ऑलमाइटी गॉड से हो जाता है, क्योंकि जो मोहब्बत का नाम भी इबादत है, जैसे हम वर्शिप करते हैं भगवान को, वही है जब हम अपने महबूब से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, हम उस धरती पर रहते हैं जहाँ पे हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, श्री फरहाद जैसे आशिक पैदा हुए और उन्होंने एक माइलस्टोन कायम किए थे एक सच्ची मोहब्बत के। तो मेरा आप सबको ये गुजारिश है कि उनकी पाक मोहब्बत को आप अपने जीवन में लाके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मोहब्बत अगर एक गुनाह है, मोहब्बत अगर एक गुनाह है, इसकी हर सजा मंजूर करता हूं। मोहब्बत अगर एक गुनाह है, इसकी हर सजा मंजूर करता हूं। ये आलम ही कुछ ऐसा है, ये आलम ही कुछ ऐसा है, बार बार ये भूल करता। जी हाँ दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे चैनल फन स्टॉप के साथ। और मैं सबका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त मेरी इस वीडियो को देखने को दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और जिन साथियों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। जुड़े रहिए फन स्टॉप, ए प्लेस टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। थैंक यू, शुक्रिया।